क्या है, क्या हो गया जो आप लोग आज यहाँ दिन भर से खड़े हैं, और ये एक व्यक्ति है जो यहाँ पे अपंग हो गया है कंपनी के कारणों से, बताइए। पिछले 6 महीने से इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है सिंप्लेक्स कंपनी में, ये तड़फ रहा है, इसका ना कंपनी इलाज करा रही है ना प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है। ये लगातार व्यक्ति 4 दिनों से अपना दुखड़ा मेरे पास रोया। मैंने इससे आज कमिटमेंट किया था कि मैं आज मुख्यमंत्री से मिलाकर और जिले के कलेक्टर से मिलाकर आपका समस्या का निदान करूंगा, और 2 बजे से लगभग 2 बजे से आदमी अभी तक बैठा है। हमसे कलेक्टर साहब ने कमिटमेंट किया कि आपको शाम को जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तब आप लोगों की चर्चा होगी। अब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, प्रशासन ने हमको धोखे में रखा, और आप देख रहे हैं पीछे पुलिस की व्यवस्था है, जिस टाइप से हमको घेराबंदी करके रखी गई। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या जनता अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास जा भी नहीं सकती? ऐसे में जब अपना वो दुखड़ा बता नहीं पाएगा तो उसके समस्या का निदान कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि ये व्यक्ति पिछले 6-7 माह से अपने घर पर पड़ा हुआ है, घर का एक लौता व्यक्ति है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर इनके इनका देखभाल कौन करेगा, इनकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अगर कंपनी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, और अगर हम जनप्रतिनिधि भी अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना ही प्रशासन अगर कार्रवाई करेगा, तो ये गरीब आदमी आखिर जाए तो जाए कहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र होने के बाद भी हमने बहुत बार इनसे अधिकारियों से निवेदन किया कि कम से कम इस गरीब की दुखड़ा जो सुन लिया जाए, इनकी समस्या का निदान कर लिया जाए, पर सारे अधिकारियों को मुख्यमंत्री की सेवा चाकरी में उनका अपना नंबर बढ़ाने से फुर्सत नहीं है, सारे लोग उनकी सेवा चाकरी में लगे हैं। ये गरीब आदमी 2 बजे से यहाँ बैठा पड़ा है, ना इसको ना अपने इसको खाया पिया है, ना कुछ किया है, पता नहीं अपने घर का लालन पोषण कैसे करेगा, और इसके पैर पूरा पैर इसका पैर टूटा हुआ है, 2-3 जगह से पैर फ्रैक्चर है। अब इसका आखिर निदान कौन करेगा, ये बड़ा एक सवाल है। मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के तकलीफों का अगर ये हाल होगा तो मुझको लगता है कि प्रदेश की जनता समझती है बहुत अच्छे तरह से। अगर जनता से इतना ही दूर आप भागना चाहते हैं तो जनता, मुझको लगता है आने वाले समय में जनता आपको दूर कर देगी। बस धन्यवाद।